हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मेमोरीज विद कनक शुक्ला पर। तो चलिए आज मैं बनाने चल रही हूँ आटा नूडल्स। तो उसके लिए देख रहे हैं कि सामग्री यहाँ पे हमने रख लिया है। तो ये है हमारा धनिया पाउडर और ये है लाल मिर्च पाउडर, जिससे कि कलर बहुत बढ़िया आता है। कश्मीरी लाल मिर्च है और यहाँ पर मिर्चा, जीरा और थोड़ा सा चाट मसाला भी हमने ले लिया है। और देखिए, उसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च, अदरक और एक पास्ता मसाला पैकेट। इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है नूडल्स का। तो और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रात का बचा हुआ आटा था, तो हम उसी से बना रहे हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रात में गूंथ के रखा जाए। ये तो हमारा बचा हुआ था तो हम इसी से बना ले रहे हैं। आप सुबह भी तुरंत गूंथ के आटा 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख के और उसके बाद बना सकते हैं इसे। तो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट नूडल्स बनके तैयार होते हैं। तो बस चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आटा को हम, रात का आटा था तो थोड़ा सा कड़ा है, इसे अच्छे से मसल के सॉफ्ट बना लेंगे। तो आटा हमने अच्छे से मसल लिया, अब इसकी लोइयां बनाएंगे। तो इतने आटा में 3 लोइयां हमारी बनके तैयार हुई हैं। तो बस लोई बना के अब इसकी रोटी बनाएंगे। तो बस जैसे रोटी बनाते हैं उसी तरह से आटा लगा लगा के इसमें और रोटियां बना लेंगे। तो ये ज़्यादा पतली रोटी भी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम रोटी बनाते हैं हल्की सी मोटी, इसकी थिकनेस आप देख रहे हो रोटी की, बस वैसे ही होनी चाहिए। उसके बाद किसी भी सीसी का ढक्कन ले लीजिए और आप फटाफट गोला बना लीजिए। आप इससे और छोटा भी बना सकते हो और बड़ा भी बना सकते हो। हमारे पास यही ढक्कन था तो हमने इसी साइज़ का बना दिया। तो देखिए फटाफट रोटी बनाएंगे और कट कर देंगे तो ढेर, एक ही बार में ढेर सारी टिक्कियां बनके तैयार हो जाती हैं। अब इसे हमें देना है सेव नूडल्स का। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगा के, जिससे कि खुले ना, ये हल्का सा पानी कोनों पे लगा के और इसे हम सेव देंगे। तो इसे दोनों तरफ से देखिए ऐसे ही मोड़ देंगे तो ये हमारा बनके तैयार हो गया है एक तरह की डिज़ाइन। इसी तरह की डिज़ाइन हम बना बना के पूरा रख लेंगे। तो ये बहुत टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है। तो हमने तो सुबह के नाश्ते में ही बना लिया था। आप बच्चों को शाम के नाश्ते में बना सकते हो, सुबह बना के टिफ़िन में भी दे सकते हो। ये टिफ़िन में भी ठंडा होने पर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। और आप देख सकते हो हम 4 कोनों वाला भी बना रहे हैं। तो आप चाहे जो डिज़ाइन बनाओ इसमें, तो और बहुत जल्दी बन बन के तैयार होता है। तो हमने सभी टिक्कियों की देखिए डिज़ाइन बना ली। अब वो दो कोनों वाला बनाए थे, 4 कोने वाला, और अब ये जो लंबा लंबा होता है वो बना दिए। तो इसे भी आप हल्के हाथों से मोड़ते जाओगे तो बहुत अच्छी रिंग बन के ये तैयार हो जाती है। और दोस्तों स्वाद भी बहुत लाजवाब रहता है, स्वाद में कोई कहे सबसे नुकसान नहीं करता है बच्चों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फटाफट हमने पूरी तीनों लोइयों का बना के नूडल्स रख लिया। और अब पतीले में रख देंगे पानी, इसे बॉयल करेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल, जिससे कि आपस में चिपके ना ये सब। और नमक से, आटे में नमक तो पड़ा नहीं है तो ये हल्का सा नमक उसमें आ जाएगा आटे में। और बस पानी देखिए ढक दिए थे, पानी उबलने लगा। अब सभी नूडल्स को इसमें हम डाल देंगे, डाल के चला के इसे थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। बस 2 मिनट वो उबल रहा है, तब तक हम इधर ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर कट करके तैयार कर लेंगे। तो प्याज ज़्यादा बड़े बड़े पीस नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे पीस काटना है हमको। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारा प्याज कट गया और अब हम टमाटर भी इसे कट कर लेंगे। और इधर देखिए नूडल्स भी हमारा उबलने लगा है। तो जब ये 2 मिनट उबल जाए तो इसे अच्छे से छान लें। हमने छन्नी में देखिए छान रही हूँ, तभी आपको पता चल रहा है सब एक एक नूडल्स अलग हैं, कोई भी चिपका नहीं है। और अच्छे से पानी निकाल के इसे हम एक तरफ रख देंगे।
अब तब तक हम तैयार करेंगे इधर ग्रेवी कढ़ाई में। तो कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल हमने डाल दिया है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और फिर जीरा डाल के इसमें, देखिए जैसे ही जीरा लाल हुआ तो ये मिर्च और अदरक कूट के हमने लिया है, तो आप कट भी कर सकते हो, हमने खल में कूट लिया था तो उसे डाल दिया। जब हल्का लाल होने लगे तुरंत प्याज यहाँ पे हमने डाल दिया, और प्याज को भून लेंगे हल्का गुलाबी होने तक। जैसे ही प्याज हल्का गुलाबी होने लगेगा तो इसमें देखिए सारे मसाले डाल देंगे जो हमने प्लेट में पहले से लेके रखा है, और ये टमाटर भी, और अच्छे से चला के, और फिर इसमें हम डाल देंगे नमक। और पास्ता में हमारा नमक है ही, क्योंकि पानी में हमने नमक डाला था, तो उसी अकॉर्डिंग आप नमक इसे यहाँ डालिएगा। थोड़ी देर ढकने के बाद टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है, फिर इसे चला दीजिए। जब तेल छोड़ने लगे मसाला तो इस पर नूडल्स आप डाल दीजिए। तो बनाने में कोई टाइम नहीं लगता है, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर बनाइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। आप फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, आप किस कहीं भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जैसे दूसरे लोग भी देख सकें। यहाँ पे हमने डाल दिया 1 चम्मच टोमेटो सॉस और थोड़ा 1 चम्मच के लगभग सोया सॉस, और पास्ता मसाला तो हमने रखा ही था उसे भी डाल दिया। बस डाल के चला देंगे, देखिए बन के तैयार हो गया, कितना यम्मी यम्मी लग रहा है। और उसी पे जब धनिया डाल देंगे तो देखिए डेकोरेट हो गया हमारा, और स्वाद भी बढ़ गया इसका। बस अब इसे सर्व कर दीजिए, और आप भी बनाइए, खाइए और बताइए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और रेसिपी के साथ।